बॉर्डर पे जाकर दो दिन का पार्टी का केरल के आप करके आया हूं। वो गुजरात के भी लोग समझते हैं कि महाराष्ट्र के लोग ज्यादा अकलमंद है। लेकिन जिनको सामाजिक और राजनीतिक जिंदगी में रहते हुए किसी के साथ सोच विचार सुनने की आदत नहीं है, उन नेताओं का हस्त, उन नेताओं की हालत, उनके पार्टी और संगठनों की हालत दिन ब दिन कैसे होती है, ऐसे उदाहरण देने के लिए हम बार बार रेकॉर्डिंग कांशीराम साहब के 12वें परिनिर्वाण के दिन के मौके पर जो 9 अक्टूबर 2006 में हुआ, 12 साल गुजर चुके। इस समाज में बैठा हुआ लगभग 90% आदमी अगर अपने जिंदगी में कभी सामाजिक आंदोलन या राजनीति में आया होगा तो वो माननीय कांशीराम साहब के कारण आया। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। चाहे मंच पे बैठने वाले खोखला रहेंगे या ऑडियंस में बैठने वाले बाउंसर के पुरानी फौजी, ये तमाम साथ उस आंदोलन से आए जिनका परिनिर्वाण अभी अभी 9 अक्टूबर को था। 12 साल का स्मृति दिन था, मेमोरियल डे था। उस दिन तो हम महाराष्ट्र में कोई बड़ा फंक्शन नहीं कर पाए क्योंकि अक्टूबर महीने में हमने पार्टी के 3 रीजन के 3 अधिवेशन फिक्स किए थे। एक महीने में 3 अधिवेशन मामूली बात नहीं है, और जब मैं मामूली बात नहीं है ये कह रहा हूं तो मुझे कांशीराम साहब की पंक्ति याद आती है, राजनीति कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक महीने में 3 अधिवेशन करना, 3 रीजन के लोगों को इकट्ठा करना, कई पार्टियों के लोगों के साथ लाइटनिंग कोऑर्डिनेशन करके उनको अपने मंच पे उतारना और उनको अपने मंच पर उतारकर अपने अस्तित्व का एहसास कराना, ये भी कोई मामूली चीज नहीं है। बुलाने वाले तो कहीं होते हैं, मजमा लगाने वाले तो कहीं होते हैं। इस महाराष्ट्र के धरती पर उनकी संख्या तो हजारों लाखों में अनगिनत है। मूल बुलाने वाले से हम लोग नहीं, न थे न कभी होंगे। मैं फिर इस बात को दोबारा आपके सामने कह रहा हूं, उसमें से ना कब हावी थे ना है ना कभी भविष्य में बनेंगे, ये आपके साथ मेरा खुले मन से वादा है। क्योंकि हमें राजनीति के साथ साथ आंदोलन भी चलाना ये हमारी जिम्मेदारी मानकर भविष्य में चलने की बात रखने वाले लोग, इस बात को अगर मैं थोड़ा उजागर करके कह दूं, जिसको राजनीतिक भाषा में आपको समझ गया, जिसका संदर्भ अभी अभी जो वक्ता जो आए उन्होंने उसका जिक्र किया कि आने वाले चुनावों में
ये 1, 2, 3, 12, 13, 14 ये दिखने नहीं चाहिए। और मैं और भोजनालय भी इस बात के ऊपर इंट्रोस्पेक्शन तुरंत हम कर रहे हैं। सिर्फ मूवमेंट करने वालों का मकसद अलग होता, सिर्फ राजनीति करने वालों का मकसद अलग होता, और ये दोनों करने वालों का मकसद और कहीं अलग होता। कांशीराम साहब के माध्यम से हम ये दोनों तौर तरीके सीखे हुए बच्चे हैं। बाबा साहब के साथ तो हम लोग ऐसे कोई काम नहीं करता, न हम पैदा हुए थे, न हमें काम करने का मौका मिला। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग अपनी अकल का ताला बंद करके हमारे ऊपर कभी कभी इल्जाम लगाते, इसका मतलब ये बाबा साहब से कांशीराम साहब को बड़े मानते हैं, जिनके अकल की सोच में कमी है उन लोगों की यह सोच हो सकती है। और उसका जवाब मैं उनको दे रहा हूं। कभी कभी कहते हैं कि बाबा साहब के साथ कांशीराम साहब की तस्वीर क्यों लगाते हो? अरे एक तो दुनिया मानती है बाबा साहब जैसे अकेले बाबा साहब है, बाबा साहब जैसा दूजा कोई नहीं, ये सारी दुनिया जानती है। और कांशीराम साहब जब भी जिंदा थे तो उन्होंने हमेशा बार बार इस महाराष्ट्र के धरती पर जिक्र किया कि मैं जो भी कुछ आपके सामने रखता हूं वो सारा मैंने महाराष्ट्र के धरती से पैदा हुए महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज और सबसे ज्यादा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से जो सीखा है वही मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया था कि मैं मेरा खुद का कुछ आपके सामने रख रहा हूं। हमारी भी बात वही है कि हम ना बाबा साहब के समय में कार्यरत थे न पैदा हुए थे। हमारी पॉलिटिकल ट्रेनिंग, सोशल मूवमेंट की ट्रेनिंग जो भी कुछ हुई है वो कांशीराम साहब के आंदोलन के बदौलत हुई है, बहुजन आंदोलन के तहत हुई है। और इसलिए और कोई कांशीराम साहब की जयंती मनाए पुण्यतिथि ना मनाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो जरूर मनाते रहेंगे, सालों साल मनाते रहेंगे। 9 अक्टूबर को मैं अलाहाबाद में, हमारे जो भाई साहब यहां जौनपुर उत्तर प्रदेश से पहुंचे, इनके पिताजी जो हमारे देश से बसपा के साथ पूर्व विधायक, मैं उस दिन अलाहाबाद में हूं जब कांशीराम साहब के ऊपर जब बोल रहे थे तो 1 मिनट बोल पाए और दूसरे मिनट पे रोना शुरू कर दिया। कांशीराम साहब के ऊपर बोलते वो आदमी 1 ही मिनट बोल पाए और दूसरे मिनट पे उसके आंख से आंसू आ गए। कांशीराम साहब के बदौलत जो भी पिछले 25-30-35 साल जो लोग इस आंदोलन के साथ आए और जिन्होंने भी जैसे पीछे रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन के ऊपर कभी कांशीराम साहब को छोड़ने को भी गए तो भी प्रधानमंत्री के साथ चलता है ऐसा लगता था मानने वाले लोग उस बहुजन आंदोलन की पैदाइश। और इसलिए 9 अक्टूबर का ध्यान रखकर हम पार्टी का अधिवेशन तो कर रहे हैं लेकिन कांशीराम साहब का 12वां परिनिर्वाण दिन के मौके पर महाराष्ट्र के तीनों विभागों में ये 3 अधिवेशन कर रहे हैं। 3 अधिवेशन में
विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, पश्चिम महाराष्ट्र कोकण हो, ये मंच पर बड़े बड़े दूसरे पार्टियों को नेताओं को पहली बार हमने बुलाया, सोच समझ कर बुलाया और वो भी आए, उन्होंने भी हिचकिचाहट पैदा नहीं की। इसलिए खुले मन से मैं सभी उन जो आए हुए अपने मंच पर मेहमान, चाहे सामाजिक विचारवंत हो, चाहे सुनील खोखला में हो, चाहे सुषमा अंदाज हो, चाहे राजनीतिक पार्टी के झड़क ऊपर हो या बड़े की बात हो, उन सारे लोगों को मैं गहरी रूप से शुक्रिया अदा करता हूं, उनको भी धन्यवाद दूं। लेकिन बिना काम के मंच पे कोई भी आता जाता होगा। हम भी बुलाते हैं तो ऐसे बुला, और वो भी आते हैं पॉइंट टू बी नोटेड, तो ऐसे ही चले आते हैं। बाकी लोग बुलाकर देखें कितने आते, पहले बाकी लोग तो दो दिन के, एक महीने के, छह दिन के एप्लीकेशन तो लगाकर दिखाए, बाकी देखते छह दिन में पार्टी के पास कोई एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, पार्टी का कोई आमदार छापता नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, इस हिंस से बैठा है, उसकी कोई शुगर फैक्ट्री नहीं है, किसी का टूरिस्ट का बिजनेस सही है, किसी ने मुख्यमंत्री के साथ बैठकर बीमा कोरेगांव के आंदोलन के बाद 5 करोड़ की डील नहीं की है, ना किसी का कुकर कुकर पालन वो कोमली होता बिजनेस है, मुर्गी होता बिजनेस है, या एक भी डील वाला नहीं है, बिना देख वाले हैं, लेकिन डील पहना जानते हैं। इसीलिए तो कहता कि 6 दिन का अधिवेशन करके तो दिखा, और वो भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देकर नहीं, इस लाउड स्पीकर वाले को भी मालूम है कि मैं रात को उसको कितनी बार समझा रहा था कि साउंड इस तरह से होना चाहिए, इस तरह रात भर मैदान में 2-2 बजे तक रुक कर ऐसे अधिवेशन करके दिखा। मैं ये बातें खुले मन से इसलिए कह रहा हूं, जो अंबेडकर आंदोलन की जरूरत है, जो महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर के राजनीति की जरूरत है, क्या जरूरत है, जरूरत यह है कि जब भी ऐसे कोई बड़े पंडाल लगते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो महाराष्ट्र में दलीय आहार की चर्चा शुरू होती है, कुछ जगह खुली आवाज में, कुछ जगह दबी आवाज में, जरूर माल पहुंचाओ, अरे उसके बिना आसान है क्या, कैसे करते हैं 6-6 दिन, संभव है, कैसे फंड इकट्ठा करके, और फिर मुझे कांशीलाल साहब की याद आती, जो फंड खड़ा नहीं कर सकते वो जन्म में कभी संघ कर या पार्टी नहीं चला सकते। पैंतीस साल में हमने सीख लिया कि अपने पैरों पर खड़े कैसे होना, और अपने पैरों पर चलकर एमएलए कैसे बनना, एमपी कैसे बनना, जितना हम लोगों ने 35-40 साल में सीखा है, शायद ही कोई इस भारत में सीखा है, वो भी कांशीलाल साहब के बदौलत। और इसलिए कोई अगर सोचता होगा कि 6 दिन के अधिवेशन के लिए कोई ना कोई स्पॉन्सर मिला हो, कोई ना कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कोई भी आरोप लगा सकता है, जवाब सुन लो। इसीलिए
कि किसी के रहमों करगों पर, किसी के मेहरबानी के ऊपर अंबेडकर आंदोलन खड़ा नहीं होना चाहिए, अपने जान की बाजी पर खड़ा होना चाहिए। ये सबक देने वाले कांशीराम के बच्चे हैं ना, तो हम ही कहते हैं। कोई कहता होगा कि मेरा पुणे का रगड़े नाम का फिजिकल हैंडीकैप वर्कर यहां ट्रैंगुलर साइकिल के ऊपर बैठा है, कई सारा वर्कर महाराष्ट्र में है इस अधिवेशन के लिए, इस अधिवेशन के लिए ये मेरा जो हैंडीकैप वर्कर है उसने भी 46,000 डोनेशन इकट्ठा करके दिया। 46,000 अमेरिकी जनता ईमानी लोगों के ऊपर विश्वास रख के आपको कभी कोई किसी चीज की कमी नहीं होने देती। इसीलिए तो महात्मा फुले चल पाए, इसीलिए तो बाबा साहब चल पाए, इसीलिए तो कांशीराम साहब चल पाए, और हमें भी पूरा भरोसा है कि हम पिछड़ कर रहेंगे। मुझे इस बात का जिक्र करना जरूरत क्यों रहा, क्योंकि कल कोई आरोप की झड़िया लगा सकता है और जो खुद हवा में जुटे हैं वो तो दूसरों को भी हवा में देखना चाहेंगे, वो भी अपने आप को साधु संत इस डिफेंस में लगेंगे। क्योंकि पीठ पीछे कोई भी कह सकता है कि हमने माने साहब को मदद की, हमने बेहदी को मदद की, मुंह तोड़ दूंगा उसका, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो या विद्वान हो। अंबेडकर आंदोलन के ऊपर लांछना लगाने की परंपरा खत्म होनी चाहिए, ये मानने वाला है। लेकिन क्रेडिट देने के लिए कोई भी बोल सकता है, और अगर किसी ने ऐसी जरूरत की तो अगले भाषण में जब मैं खड़ा होता ना, या तो सगो वस्त्र हमें मैंने पोस्ट पार्टक के लिए छोड़ना, ये इशारा भी इससे दे रहा ताकि ये कोई हिम्मत ना करे, कोई ये समझे